बॉलीवुड में एक बार फिर सीक्वल का ट्रेंड चल पड़ा है। कई मूवीज के सीक्वल बन चुके हैं और कुछ पाइपलाइन में हैं। टाइगर 3, गदर 2, भूल भुलैया 3, आशिकी 3, ब्रह्मास्त्र 2। आगे ये लिस्ट बहुत लंबी है। आने वाले 2-3 सालों में आपको सिनेमा घरों में कई बड़े स्टार्स की सीक्वल फिल्में देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़ी फ्रेंचाइजी की इन बिग बजट फिल्मों पर मेकर्स के कितने करोड़ दांव पर लगे हैं? ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा के मुताबिक इन फ्रेंचाइजी फिल्मों पर 1,000 करोड़ दांव पर लगे हैं। बॉलीवुड की इन बड़ी सीक्वल फिल्मों में शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और कार्तिक आर्यन काम कर रहे हैं। इन एक्टर्स को बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने के लिए मेकर्स ने मोटी रकम दी है। तो वहीं साल 2023 में कई बड़ी सीक्वल मूवीज रिलीज के लिए तैयार हैं। सबकी नजरें गदर 2, टाइगर 3, ड्रीम गर्ल 2 और यारियां पर हैं। सीक्वल ट्रेंड को देखते हुए अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्म देसी बॉयज 2 के बनने की अटकलें हैं। इसके अलावा हेरा फेरी 4, वेलकम 2, आवारा पागल दीवाना 2, आशिकी 3, टाइगर 3, ब्रह्मास्त्र 3, यारियां 2, ड्रीम गर्ल 3, गदर 2, टाइगर 3, पठान 2, भूल भुलैया 2 रिलीज होंगी। इन सभी में हालिया रिलीज टाइगर 3 और गदर 2 हैं। दोनों फिल्मों का अपना अलग अलग बज है। इनका बॉक्स ऑफिस पर क्लैश तो नहीं है, लेकिन कलेक्शन को लेकर अभी से कंपटीशन जारी है। आप इन दोनों सीक्वल मूवीज में से किसका इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर।